हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जो न्यू नोटिस आए हैं 5 फरवरी 2021 उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो जल्द से जल्द आपको मिल जाए। जैसे कि बच्चे बड़े परेशान हैं कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के रेगुलर और रीअपियर जो एग्जाम्स होंगे वो कब होंगे, तो इसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। और जो एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराए जाएंगे, टाइमिंग भी उसमें दी गई है। तो ये सारी बातें आपको मैं बताने जा रही हूं। तो सबसे पहले देखिए कि कौन कौन से नोटिस आए हैं। 5 फरवरी 2021 को डेट शीट ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर रेगुलर रीअपियर थ्योरी डिप्लोमा एग्जाम विद इफेक्ट फ्रॉम 19 फरवरी 2021। जो फिफ्थ सेमेस्टर के रेगुलर और रीअपियर स्टूडेंट हैं उनके 19 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, और जो थर्ड सेमेस्टर के रेगुलर रीअपियर स्टूडेंट हैं उनके 1 मार्च से एग्जाम होंगे। और जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं इसके मतलब उनकी जो टेंटेटिव डेट आई थी उसमें भी जो एग्जामिनेशन होंगे वो मार्च में ही उनके स्टार्ट होंगे। उसके साथ साथ जो कंडक्ट कराने में ऑफलाइन मोड में होंगे उसमें कौन कौन सी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होंगे वो सब भी इसमें दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं डेट शीट ऑफ फिफ्थ सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड पीटीडी कोर्सेज जो होंगे उनके 19 फरवरी 2021 से एग्जाम है। मॉर्निंग शिफ्ट 10 से 1 और इवनिंग शिफ्ट 2 से 5 एग्जामिनेशन होंगे। जैसे ये दे रखे हैं एग्रीकल्चर के, ऑटो इंजीनियरिंग के, जो भी आपकी ब्रांच है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सबकी डेटशीट आ चुकी हैं और जो पेपर हैं वो 19 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और ये डेटशीट आपको दे दी गई है और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेटशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिससे आप इसे ओपन करके और देख सकते हैं कि आपके एग्जाम की डेट कौन सी है। उसके अलावा थर्ड सेमेस्टर की भी इसी टाइप से डेटशीट आ चुकी है जिनके एग्जाम 1 मार्च 2021 से स्टार्ट हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण नोटिस है वो है एसओपी फॉर कंडक्ट ऑफ रेगुलर रीअपियर एग्जाम इन ऑफलाइन मोड। जो रेगुलर रीअपियर एग्जाम होंगे ऑफलाइन मोड में वो किस टाइप से 19 फरवरी से कंडक्ट कराए जाएंगे, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोविड 19 के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो फॉलो की जाएंगी और एग्जामिनेशन सेंटर के सब अच्छे से चेयर टेबल बेंच डोर जो भी सब चीजें हैं उन सबको अच्छे से सैनिटाइज किया जाएगा। और जैसे ही एग्जामिनेशन बिगनिंग होगा तो उस टाइम पे एंटर करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में ऑन ऑर्डरली मैनर, मींस उन्हें वो सीक्वेंस में आना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। और ईच एग्जामिनेशन सेंटर जो होगा उसमें थर्मल स्कैनिंग की डिवाइस रखी जाएगी जिसमें टेम्परेचर नोट किया जाएगा। उसके बाद में फेस पे मास्क लगाना मैंडेटरी है और एग्जामिनेशन सेंटर में ग्लव्स और मास्क हर स्टाफ के एग्जामिनेशन ड्यूटीज के जो भी होंगे उनके लिए आएगा। और फिजिकल डिस्टेंसिंग 6 फीट का जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में मनाया जाएगा। और उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की प्रिकॉशंस मास्क ये हर बच्चे को अच्छे से ध्यान में रखनी है ताकि कोरोना ना हो। सीटिंग अरेंजमेंट जो बनाया जाएगा वो भी सोशल डिस्टेंसिंग को देख के बनाया जाएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग देख के हुए मैक्सिमम स्पेस जो है सीटिंग का लिया जाएगा ताकि बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकें। हर वॉशरूम में हैंड वॉश और सॉप रखे जाएंगे। उसके अलावा कहीं भी थूकना अलाउ नहीं होगा। ड्रिंकिंग वाटर के लिए डिस्पोजेबल ग्लास होंगे और इनविजिलेशन जो इनविजिलेटर होगा वो भी क्वेश्चन पेपर देने के बाद और वैसे भी हर टाइम वो सैनिटाइज करेगा और प्रॉपर जो है कोविड 19 की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। आंसर शीट जो है वो कर ली जाएगी कलेक्ट और उसके बाद फिर दोबारा हैंड सैनिटाइज किए जाएंगे। और जो पर्सनल बिलोंगिंग स्टेशनरी वो किस कोई भी आपस में शेयर नहीं कर सकता। तो ये जो मेन है वो और हॉस्टल जो है उसके भी रेगुलर डोर और वो सब क्या किए जाएंगे सैनिटाइज किए जाएंगे। तो ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। सो थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें और साथ के साथ जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम भी मार्च में ही स्टार्ट होंगे और ऑफलाइन मोड में स्टार्ट होंगे, तो इसलिए वो भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर यूर एग्जाम।